हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ में। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ब्लैक विडो फाइनली इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें हमें स्कॉलेट जॉनसन ब्लैक विडो के रोल में आखिरी बार नज़र आई। तो आज मैं करने वाला हूं ब्लैक विडो मूवी का स्पॉयलर फ्री रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। फाइनली ब्लैक विडो को एक सोलो फिल्म मिल गई, जिसे ब्लैक विडो डिजर्व भी करती थी। लेकिन ये मूवी ब्लैक विडो को डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि जो इमेज ब्लैक विडो ने बना रखी है हम फैंस के दिलों में, ये मूवी उसके आधे लेवल तक भी पहुंच नहीं पाती। मूवी की स्टोरी फोकस्ड है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद के इवेंट पर, जहां ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका की हेल्प करने की वजह से भागती फिर रही है, और फिर उसे पता चलता है कि कोई रेड रूम को अभी भी ऑपरेट कर रहा है, जो कि वही जगह है जहां नताशा को खतरनाक ट्रेनिंग देके एक असासिन बनाया गया था, और आज भी वहां पे मासूम लड़कियों को ट्रेनिंग देके खतरनाक असासिन बनाया जा रहा है, जिसमें उसकी बहन भी शामिल है, जिसको रोकने के लिए नताशा रियूनाइट होती है अपनी पूरी फैमिली से। अब क्योंकि ये मूवी अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर पर सेंटर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इस मूवी में अच्छे से अच्छा एक्शन सिक्वेंस है, पर इस फिल्म में इमोशन का डोज कुछ ज़्यादा ही हो गया, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी थोड़ी सी वीक हो गई है, और कहीं कहीं पर तो ये बोर भी करने लगती है। इस मूवी में एक और बड़ा वीक पॉइंट है, वो है मूवी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस मूवी में एक कैरेक्टर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया है, और वो है रेड गार्डियन, जो कि सुपर सोल्जर तो है, पर इस पूरी मूवी में उसे कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हुए नहीं दिखाया गया है। इस मूवी में विलेन यानी टास्क मास्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं है, जिससे ये कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं दिखा जितना इसे ट्रेलर में देख के एक्सपेक्टेशन बन गई थी। अगर मूवी में कुछ प्लस पॉइंट है तो ये है कि मूवी में सभी एक्ट्रेस ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और इस मूवी में एक्शन और VFX सीन भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये मूवी सिर्फ एक्शन मूवी के तौर पे देखनी है तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। हो सकता है कि मुझे ये मूवी ज़्यादा पसंद इसलिए ना आई हो, क्योंकि शायद मैं इस मूवी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये मूवी दी एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर और फैन फेवरेट एवेंजर ब्लैक विडो पे फोकस्ड है, तो इस मूवी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी ही थी, और शायद ये पहली बार हुआ है कि मार्वल किसी फिल्म में एक्सपेक्टेशन को छूने में फेल हो गया है। लेकिन इतनी कमियों के बाद भी ये मूवी वन टाइम वॉचेबल तो है ही, यानी आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं, और हाँ, क्रेडिट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाली स्टोरीज में कनेक्ट होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये मूवी देखें या नहीं, तो ब्लैक विडो के लिए आप ये मूवी एक बार तो देख ही सकते हैं, और यकीन मानिए थोड़ी बहुत कमियों के बाद भी ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। तो अच्छे एक्शन सिक्वेंस और फाइनल बैटल के लिए मैं इस मूवी को दूंगा 3 out of 5 star। एक स्टार कटेंगे पुअर कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और एक स्टार कटेंगे मूवी के टू लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए, जिससे इस मूवी का प्लॉट काफ़ी वीक हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।